सभी विद्यार्थियों का जीएसएस ढंडन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं रमाकांत खींची, बायोलॉजी लेक्चरर, आपके लिए आज पहली यूनिट का पहला चैप्टर आवर्तबीजी पादपों में जनन लेके आया हूं। आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो जनन होता है उसके बारे में आज अपन यहां डिस्कस करेंगे। सभी विद्यार्थी समझने का प्रयास करेंगे और सहयोग करेंगे। आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उन आवर्तबीजी पादपों के अंदर अगर हिंदी में बात की जाए तो आवर्त जो शब्द होता है, आवर्त का अर्थ होता है ढका हुआ, और बीजी का अर्थ होता है बीज। अर्थात अगर सरल भाषा में कहा जाए तो आवर्तबीजी पादप उन पादपों को अपन कहते हैं जिनके अंदर बीज ढके हुए होते हैं। अर्थात और अच्छे तरीके से अगर डिफाइंड करूं तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो बीज होते हैं वो फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। आवर्तबीजी पादपों के जनन के अंदर अपन आगे की तरफ बात करें तो आवर्तबीजी पादप है उनके अंदर जो मुख्य पीढ़ी है वो जो पाई जाती है उस पीढ़ी का नाम होता है स्पोरोफाइट। अर्थात यह पीढ़ी आवर्तबीजी पादपों के अंदर मुख्य पीढ़ी पाई जाती है बीजाणु उद्भिद। यह पीढ़ी द्विगुणित होती है, 2n होती है। यह जो बीजाणु उद्भिद पीढ़ी होती है यह पीढ़ी आवर्तबीजी पादपों के अंदर अत्यंत विकसित होती है। उसके अलावा यह पीढ़ी दीर्घजीवी होती है। अर्थात आवर्तबीजी पादपों के अंदर यह बीजाणु उद्भिद पीढ़ी लंबे समय तक जीवित रहती है और बहुत ज्यादा विकसित होती है। ये जो आवर्तबीजी पादप होते हैं यह मुख्यतः जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित होते हैं। इस आवर्तबीजी पादपों के अंदर एक दूसरी पीढ़ी पाई जाती है, उस पीढ़ी का नाम गेमिटोफाइट होता है। अर्थात हिंदी में बात करूं तो यह पीढ़ी है, इसका नाम होता है युग्मकोद्भिद। यह जो पीढ़ी होती है आवर्तबीजी पादपों में अगुणित पाई जाती है, और यह जो पीढ़ी होती है वह आवर्तबीजी पादपों के अंदर अत्यंत हासित और ये जो वाली है स्पोरोफाइट दीर्घजीवी होती है, तो यह जो पीढ़ी होती है वह अल्पजीवी होती है। अर्थात कहने का मतलब आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो दोनों पीढ़ियां होती है उन दोनों पीढ़ियों के अंदर एक जो पीढ़ी होती है वो विकसित होती है, एक पीढ़ी हासित होती है, दूसरी पीढ़ी दीर्घजीवी होती है और दूसरी अल्पजीवी होती है। अर्थात इनके अंदर जो पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है वह पीढ़ी एकांतरण अस्पष्ट पाया जाता है। अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अर्थात पीढ़ी एकांतरण से तात्पर्य यह है कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनके अंदर दो पीढ़ियां पाई जाती है, उन दो पीढ़ियों में से मुख्य पीढ़ी तो यह हो जाती है बीजाणु उद्भिद, और उसके अलावा जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है वह बहुत ही कम समय के लिए। अर्थात अगर और ज्यादा विस्तृत बात की जाए तो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उन पादपों के अंदर जब बीजाणु बनते हैं, और बीजाणुओं के अंदर अगर बात की जाए तो पुंकेसर बनता है, पुंकेसर से जब पराग कणों का निर्माण होता है तो ये जो परागकण होते हैं यह कैसी पीढ़ी होती है, अगुणित पीढ़ी होती है, और ये जो परागकण है वो कौन सी पीढ़ी को, युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करते हैं। आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन के अंदर ये स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट आपको बता दिया, दीर्घजीवी विकसित, अल्पजीवी हासित। अब इसके बाद अपन बात करते हैं आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो जनन होता है वह जनन आवर्तबीजी, अपना जो टॉपिक है वो है क्या, जनन। तो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर दो प्रकार का जनन पाया जाता है, पहला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला जो अपन बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन अलैंगिक एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसको अगर दूसरा नाम दिया जाता है तो उसको नाम देते हैं एपोमिक्सिस। एग्जाम के अंदर अलैंगिक जनन नहीं पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एपोमिक्सिस क्या है,
तो एपोमिक्सिस है वो एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। एपोमिक्सिस की यदि बात की जाए तो जो एपो शब्द होता है उस एपो शब्द का अर्थ होता है विदाउट, और मिक्सिस का आपको बताया किसी चीज को मिक्स करना, मिक्स का मतलब किसी चीज को आपस के अंदर क्या कर देना, मिक्स। तो मिक्स का मतलब होता है संयोग, अर्थात एपोमिक्सिस है उसका अर्थ हो गया कि एपोमिक्सिस विदाउट मिक्सिस। मिक्सिस का मतलब होता है जब दो चीजों का संयोग हो, तो बिना अगर किसी दो चीजों के संयोग के यदि जनन होता है तो उस जनन को नाम दिया जाता है एपोमिक्सिस। अर्थात इस प्रकार के जनन में संयोजन की प्रक्रिया या संयोग नहीं होता है। अलैंगिक जो जनन होता है या एपोमिक्सिस होता है, देखो लैंगिक जो जनन होता है उस लैंगिक जनन के अंदर मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है। दूसरी बात, जो लैंगिक जनन होता है उस लैंगिक जनन के अंदर जब नर बीजाणु बनता है मादा बीजाणु बनता है तो उन दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब उन दोनों का संयोग होता है। तो अलैंगिक जो जनन होता है उसके अंदर मियोसिस नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब इस प्रकार के जनक में जो संततियां जो बनती है वो संततियां अपने जनक के समान होती है। अर्थात कहने का क्यों होती है, इस कारण से होती है कि इस प्रकार के जनन में एक तो क्या नहीं होता है, मियोसिस, और दूसरा संयोग नहीं होता है। अर्थात दो अलग अलग चीजों का संयोग नहीं होता है, जिसके कारण इन प्रकार के जनक में जो संततियां है वो अपने जो जनक है अपना जो मातृ पादप है उस पादप के समान होती है। इस कारण से इस प्रकार के जनक से उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्लोन किसे कहते हैं या एपोमिक्सिस किसे कहते हैं। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन के अंदर अब आगे अलैंगिक जो जनन होता है वह कितने प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन के अंदर पहला अलैंगिक जनन में अनिषेक बीजता, अगर हिंदी के अंदर बात की जाए तो ए का मतलब होता है बिना, निषेक का मतलब होता है निषेचन के, और किसका निर्माण हो जाए, बीज का। अगर इंग्लिश में बात की जाए अनिषेक बीजता को बोला जाता है एगेमोस्पर्मी। ए का जो मतलब होता है ए को कहा जाता है विदाउट बिना, और गेमस का मतलब होता है निषेचन, और स्पर्मी का मतलब होता है बीज। अर्थात नाम से पता चल रहा है ये भी अनिषेक बीजता एग्जाम में पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन। अनिषेक बीजता के अंदर अगर आप देखोगे तो इस परिभाषा है इसकी, इसके नाम से स्पष्ट हो रही है। अर्थात इस प्रकार का अलैंगिक जनन जिसमें बीज का निर्माण किसके हो, बिना निषेचन के हो। अब जब बिना निषेचन के बीज का जनन होगा, बीज का निर्माण होगा, तो उसे अपन क्या नाम दे देंगे, अनिषेक बीजता। अलैंगिक जो जनन है उसके प्रकार के अंदर दूसरा जो प्रकार आता है उसको नाम दिया जाता है कायिक जनन। कायिक जनन जो होता है उसके अंदर पौधे के जड़ तना तथा पत्ती इनके द्वारा जनन होता है। अर्थात कायिक जनन में पौधे का जड़ तना तथा पत्ती ये भाग लेते हैं। कायिक जनन के अंदर पौधे का वह भाग जिसका उपयोग कायिक जनन हेतु किया जाता है उसे नाम दिया जाता है प्रोपेग्यूल, और उसका हिंदी में नाम होता है परवर्ध। तो देखना यहां परवर्ध किसको बोलते हैं, पौधे का वह भाग जो कायिक जनन के लिए उपयोग में लिया जाता है उसे परवर्ध कहते हैं, प्रोपेग्यूल बोलते हैं। अर्थात अपन ने जड़ का थोड़ा सा भाग लिया या तने का थोड़ा सा भाग लिया, इतना भाग, जड़ कितनी बड़ी होती है, खूब बड़ी होती है, जड़ के अंदर अगर अपन इतना भाग लिया और उसका अगर उपयोग अपन प्राकृतिक कायिक जनन के लिए कर रहे हैं तो इस वाले भाग को मैं नाम क्या दे दूंगा, परवर्ध। या फिर मैं तने का छोटा सा भाग लूं तो उस भाग को मैं क्या नाम देता हूं, पूरी जड़ तो काम में ले नहीं सकते वरना वो मातृ पादप है वो नष्ट हो जाएगा, तो इस कारण से अपन जितना भाग लेते हैं उस वाले भाग को अपन क्या नाम दे देते हैं, परवर्ध। आगे देखना, कायिक जो जनन है वह कायिक जनन फिर कितने भाग का होता है, कायिक जनन कितने प्रकार का, दो प्रकार का। तो कायिक जनन है
पहला प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक जो कायिक जनन है वह प्रकृति में स्वतः ही होता रहता है, और जो कृत्रिम कायिक जनन है वह मनुष्य के द्वारा संपन्न होता है। मनुष्य उसको क्यों संपन्न करवाता है? ताकि उसको क्या हो, आर्थिक लाभ हो। तो आर्थिक पादप खूब होते हैं, जैसे गुलाब वगैरह है, शीशम है, उनके अंदर वो काम में आता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यह निम्न पादप अंगों के द्वारा होता है। अब आपको पता है, मैंने आपको ये कहा कायिक जनन है, उसके अंदर कौन कौन भाग लेता है? जड़, तना, पत्ती, अर्थात तीन चीजें भाग लेती है, जड़, तना और पत्ती। तो अब तीनों का प्रकृति के अंदर जो जनन है कायिक वो चलता रहता है, तो तीनों ही भाग लेंगे, तो इसलिए अपन को तीनों पढ़ने पड़ेंगे। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंदर पहला जो है किसके द्वारा? तने के द्वारा। अर्थात जनन के अंदर जब तने को काम में लिया जाता है, या तने के द्वारा जब कायिक प्रवर्धन संपन्न होता है, तो उसे अपन क्या नाम देते हैं? तने के द्वारा। प्रकृति के अंदर जो तना है वो तना खूब रूप में या खूब प्रकार में पाया जाता है, जैसे परकंद, कंद, घनकंद, सलकंद, ऊपरी भूस्तरी, अंतःभूस्तरी, भूस्तरिका, इनके अपने को उदाहरण है वो याद रखने हैं। तो पहला जो तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है उसके अंदर पहला है परकंद। परकंद है उसका जो उदाहरण होता है वो होती है अदरक। दूसरा कंद, कंद का उदाहरण आलू। ये जितने हैं ये सब एग्जाम्पल इतने, और ये वाला जो भाग है इसको अपन क्या नाम देते हैं? तना। अर्थात परकंद अदरक, कंद आलू, शलकंद लहसुन, घनकंद अरबी, ऊपरी भूस्तरी घास, अंतःभूस्तरी पुदीना, भूस्तरिका स्ट्रॉबेरी। ये जितने हैं परकंद से लेकर ये भूस्तरी तक, ये सब के सब क्या है भाई? ये सब के सब तने हैं। अब आगे वाला जो है उसके अंदर अपन चलते हैं। पहला हो गया अपना प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन संपन्न करवाया। तने के अंदर इतने तने के उदाहरण होते हैं, उन उदाहरण के अंदर अपने को पर्टिकुलर ये याद रखना है कि परकंद का एग्जाम्पल कौन सा है। नेक्स्ट में अगर बात की जाए तो अपने पास तीन चीजें थी, तना, जड़ और पत्ती। उसके अंदर अपन दूसरे पर आते हैं, तो जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो आपको पता है कि जब जड़ का उपयोग कायिक प्रवर्धन के लिए किया जाता है तो अपन उसको क्या बोल देंगे? जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक परिवर्तन। आपने देखा होगा अपने आसपास कि अपन शीशम का जो पेड़ होता है उस शीशम के पेड़ की जड़ को काटकर कहीं पर भी लगा देते हैं और उससे नया पादप उत्पन्न हो जाता है, तो वो अपना कौन सा जनन हो गया? जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसके अंदर अपन उदाहरण की बात करेंगे, एग्जाम्पल याद रखना है, नीम, चमेली और शीशम। शीशम है वो अपने आंखों पाया जाता है, उसकी अपन अगर जड़ को काट कर कहीं पर भी अगर रोपण करें तो आसानी से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट के अंदर आएंगे अपन जड़, तना, पत्ती। तो उसके अंदर तना अपना हो गया, जड़ हो गई, अब नेक्स्ट आता है पत्ती। तो देखो पत्तियों के द्वारा भी प्रकृति के अंदर कायिक प्रवर्धन होता रहता है। अगर आपको बात की जाए तो सबसे अच्छा इसका उदाहरण होता है पत्थर चट्टा। जो पत्थर चट्टा होता है उसके अंदर पत्तियों के जो किनारे होते हैं वह पत्तियों के किनारे, पत्थर चट्टा के अंदर बात की जाए तो ये जो पत्ती होती है उस पत्ती का ये किनारा टूट कर कहीं गिर जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? नया पादप उत्पन्न हो जाएगा। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत बड़े एग्जामों में ये पूछा जाता है कि ब्रायो जो फिल्म होता है उसके अंदर किस प्रकार का जनन पाया जाता है, या फिर ये पूछा जाता है पत्तियों के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किस पादप में संपन्न होता है, तो वहां अपन नाम देते हैं क्या? पत्थर चट्टा। दूसरा नेक्स्ट नाम पत्थर चट्टा को दूसरा नाम होता है ब्रायो फिल्म। तो पत्तियों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है उसके अंदर यदि पत्तियों के किनारों से कायिक प्रवर्धन हो तो उसका एग्जाम्पल पत्थर चट्टा। कई बार क्या होता है कि जो पत्तियों का प्रणवणंत होता है उस प्रणवणंत है वो टूटकर गिर जाता है या मातृ पादप से अलग हो जाता है और वो नए पादप के रूप में ग्रो कर जाता है, उसका जो एग्जाम्पल होता है उसको नाम दिया जाता है बिगोनिया। नेक्स्ट अगला जो है प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन है उसके अंदर अपन ने अभी तक बढ़े हैं जड़, तना और पत्ती, तीनों के अपन ने एग्जाम्पल देखे। अब कई जो पादप ऐसे होते हैं जो जननांग उत्पन्न करते हैं और उन जननांगों के द्वारा प्रकृति के अंदर जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता रहता है उसके अंदर अपन नेक्स्ट आते हैं डी, जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ये जो इन पादप जो होते हैं इन पादपों के अंदर पुष्प कलिकाएं जो होती है उनके स्थान पर बहुकोशिक पत्थर प्रकलिका उत्पन्न हो जाती है।
इस शब्द का ध्यान रखना। ये जो बहुकोशिक पत्र प्रकलिका है ये किसके स्थान पर उत्पन्न होगी? पुष्प कलिकाओं के स्थान पर। इन जो बहुकोशिक पत्र प्रकलिका होती है इनको नाम दिया जाता है अंग्रेजी के अंदर बुलबिल्स। तो कई बार ये पूछा जाता है कि बुलबिल्स के द्वारा जनन किस पादप में संपन्न होता है? तो ये जो पादप होते हैं इनमें पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशिक पत्र प्रकलिका उत्पन्न हो जाती है। ये जो पत्र प्रकलिका होती है यह कहीं जमीन के ऊपर गिरकर एक नए पादप को उत्पन्न करती है और इस प्रकार से प्राकृतिक कायिक जनन होता है। इसके जो उदाहरण होते हैं रतालू और रामबास होता है। इन पादपों के अंदर किसके द्वारा प्राकृतिक कायिक परिवर्तन संपन्न होता है? जननांगों के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन संपन्न होता है। तो देखो जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है जो अपना जनन था उसके अंदर अपन ने पहला पूरा किया है, पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन अपना संपन्न हुआ है। अब अगर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये जो प्राकृतिक वाला था वो प्रकृति के अंदर स्वतः ही हो रहा है ना, उसके अंदर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पादप है वो अपने आप ये प्रक्रिया संपन्न करवाए जा रहे हैं। अब अगर मनुष्य अपने आर्थिक लाभ के लिए इस प्रकार का जनन संपन्न करवाया जाए जिससे मनुष्य को लाभ हो, जैसे बहुत सारे आजकल ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनका उपयोग आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, तो वहां अपन बात करते हैं तो वो जनन जो होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। इस प्रकार का कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है इसके अंदर निम्न विधियां काम में ली जाती है। पहला है कटिंग। कटिंग का मतलब होता है कर्तन। तो देखो कर्तन की अगर बात की जाए, कर्तन का मतलब होता है कटिंग, अर्थात छोटा सा अपन को टुकड़ा काम में लेना है, उस टुकड़े को अपन नाम क्या देते थे? कर्तन। तो कर्तन के अंदर अपन सबसे पहले स्तंभ कर्तन पढ़ते हैं। यदि जो कर्तन है वो तने से लिया जाए तो उसको नाम दिया जाता है स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन के जो कौन कौन से पादपों के अंदर स्तंभ कर्तन के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है उसके उदाहरण होते हैं गन्ना, अंगूर, गुलाब। अब आप सबको पता है गन्ना, अंगूर, गुलाब तीनों की तीनों चीजें मनुष्य है, इन तीनों चीजों का अगर उत्पादन करे तो इनसे आर्थिक लाभ कमा सकता है। तो इस प्रकार का स्तंभ कर्तन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? गन्ना, अंगूर, गुलाब। गन्ने को आपको देखा होगा ऐसे, अगर कोई भी ये टुकड़ा अपन ने लिया और लेकर इसका अगर रोपण किया जाए तो ये नया पादप के रूप में विकसित हो जाता है। दूसरा मूल कर्तन। यदि अपन किसी जड़ को कर्तन के रूप में अगर काम में ले और उसका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करवाए तो उसको अपन नाम दे देते हैं मूल कर्तन। और उसके जो उदाहरण होते हैं सेम, चेरी, अमरूद, इनके अंदर मूल कर्तन के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट दूसरी जो विधि है कर्तन के बाद, दूसरी विधि है दाब लगाना। तो इस विधि के अंदर दाब वाली जो विधि होती है इसके अंदर प्रेशर लगाया जाता है, लेकिन इस विधि के अंदर इसकी जो मेनली जो शर्त होती है वो ये होती है कि इस विधि को अंदर मुख्य जो पादप होता है उसको मुख्य पादप से किसी भी शाखा को अलग किए बिना यह दाब लगाना विधि संपन्न होती है। तो देखना इस विधि में स्तंभ या शाखा को, देखो कटिंग वाली जो थी कर्तन, कर्तन में तो अपन ने किसी भी जो पादप था उससे अपन ने थोड़ा सा टुकड़ा काट लिया, वो चाहे स्तंभ का हो चाहे वो जड़ का हो, उसको पौधे से अलग करके फिर अपन ने कर्तन करवाया। लेकिन जो दाब लगाना जो विधि है इसके अंदर अपन जिस टुकड़े को काम में लेंगे उस टुकड़े को वहीं उस पौधे के ऊपर काम में लेंगे, अर्थात मूल जो पादप है उससे अपन उस भाग को अलग नहीं करेंगे। अर्थात कहने का मतलब इस विधि में स्तंभ या शाखा को मूल पादप से अलग किए बिना उसमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। इस विधि को अपन नाम देते हैं दाब लगाना। ये जो विधि होती है इस विधि के प्रकार होते हैं, तो सबसे पहला जो प्रकार होता है उसके अंदर लिखा जाता है टिल्ला दाब विधि, अर्थात अपने भूभाग पर जहां मिट्टी के टिल्ले पाए जाते हैं और वहां पर यदि कोई पेड़ हो तो उस पेड़ की जो शाखाएं होती है उन शाखाओं को अपन ऐसे करके मिट्टी में दबा देते हैं, फिर उसके ऊपर पानी पड़ता है और यहां क्या होता है ये वाला जो भाग होता है इस वाले भाग के अंदर ऐसे अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती है। फिर इस वाले भाग को अपन यहां से अलग करते हैं,
और अलग करके कहीं दूसरी इच्छित स्थान पर इसका रोपण कर देते हैं। ये जो विधि होती है, इस विधि को नाम दिया जाता है टिल्ला दाब विधि। अर्थात इसके अंदर जो शाखा थी उस शाखा को मुख्य जो पादप था ये वाला मुख्य पादप, इससे अलग किए बिना अपस्तानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार की विधि को अपन क्या नाम देते हैं, टिल्ला दाब विधि। इस विधि के अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसको अपन काट कर अलग कर लेंगे, अलग करके अपने इच्छित स्थान पर रोपण कर देंगे। इस विधि के अंदर टिल्ला दाब विधि है वो किसके अंदर, मोगरा और चमेली इसके अंदर काम में ली जाती है। नेक्स्ट दूसरी जो विधि होती है उसको नाम दिया जाता है वायु दाब गुट्टी विधि। ये जो विधि होती है इसके अंदर ऐसे पादप जिनकी शाखा को अपन मोड़ नहीं सकते, अर्थात जो कठोर पादप होते हैं, अर्थात ये ऐसे पादप, अब इस पादप की ये शाखाएं, इन शाखाओं को अपन मोड़ नहीं सके, तो जब अपन मोड़ नहीं सकेंगे तो इसके अंदर अपन टिल्ला दाब नहीं लगा सकेंगे। अगर अपन ने जोर से फिर भी दाबने की कोशिश की तो वो टूट जाएगी तो फिर अपना काम नहीं होगा। तो इनके लिए जो कठोर पादप होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की विधि काम में ली जाती है। तो ये जो वायुदाब गुट्टी विधि होती है इसके अंदर क्या किया जाता है, जो शाखा होती है उस शाखा की इस प्रकार जो ऊपर की जो छाल होती है उस छाल को हटाया जाता है। उस छाल को हटाने के बाद उसके अंदर यहां एक कपड़ा वगैरह बांध कर और उसके अंदर थोड़ी मिट्टी लपेट कर इसको अपन ऐसे बांध देते हैं। ऊपर की जो शाखा होती है उस ऊपर की शाखा पर एक मटकी लगाई जाती है जो पानी की भरी हुई होती है और उसमें छिद्र होते हैं। उस मटकी से धीरे धीरे पानी टपकता रहता है। कहाँ टपकता रहता है, इस वाले हिस्से पर। इस वाले हिस्से को अपन नाम देते हैं गुट्टी। जब इस हिस्से से अपस्तानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती है तो यहां से इस हिस्से को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और काटने के बाद इच्छित स्थान पर इसका रोपण किया जाता है। अगली जो नेक्स्ट विधि है दाब लगाने के बाद रोपण। ये जो रोपण विधि होती है इस विधि के अंदर ये यहां तक अपने दाब लगाना की बात की, यहां पर अपने को कितने पादपों की आवश्यकता थी, एक पादप की। उस एक पादप पर अपन ये प्रक्रिया संपन्न करवा रहे थे। एक पादप का मतलब अगर अपने टीला दाब है तो उसके अंदर भी एक ही पादप काम में आया, और उसके बाद वायु दाब गुट्टी है तो उसमें भी छाल को हटाया, शाखा को, एक ही पादप काम में आया। लेकिन जो रोपण विधि होती है उस रोपण विधि के अंदर दो अलग अलग पौधों को काम में लिया जाता है। रोपण जो विधि होती है इसके अंदर दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को आपस में जोड़ा जाता है। इन रोपण विधि जो विधि होती है उस विधि के अंदर दो काम में लिए जाते हैं, एक कलम और एक स्कंद। कलम जो होती है, अर्थात कलम किसको बोलते हैं, पादप का वह हिस्सा जिसका रोपण किया जाता है वो तो हो गया कलम, और कलम का जिस पर रोपण किया जाता है उसको अपन बोलते हैं स्कंद। तो यहां पर दो चीजें हैं, पहला कलम, पादप का वह हिस्सा जिसका रोपण किया जाता है, दूसरा स्कंद, पादप का वह भाग जिस पर कलम का रोपण किया जाता है। दो पादप काम में ले रहे हैं, है ना, एक पादप है उसके कलम काम में लेंगे, दूसरे पादप के ऊपर उस कलम का क्या करेंगे, रोपण करेंगे। तो पहले का नाम दे दिया कलम, दूसरे का नाम दे दिया स्कंद। ये जो स्कंद वाला जो भाग होता है यह मेनली ऐसे पौधे का यूज किया जाता है जो पौधे जंगली होते हैं, वाइल्ड जो प्लांट होते हैं उनको स्कंद के रूप में काम में लिया जाता है। क्यों काम में लिया जाता है, इस कारण काम में लिया जाता है, देखना स्कंद वाला जो भाग होता है, स्कंद वाला भाग हमेशा जमीन है, उसकी जमीन जड़ तक का भाग होगा। अर्थात करने का मतलब जो स्कंद वाला भाग होगा उस पर अपन किसका रोपण करेंगे, कलम का। तो इसका मतलब जो जड़ें किसकी काम में आ रही है, स्कंद वाले भाग की। तो स्कंद वाला जो भाग होता है वो ऐसा पौधा काम में लिया जाता है जिसकी प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है, जिससे कि कोई भी भारी बीमारी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो सके। तो स्कंद वाला हिस्सा है वो हमेशा इस ऐसे पादप का काम में लिया जाता है जिसकी प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। अर्थात ये मेनली जंगली जो पादप होते हैं उनका काम में लिया जाता है। कलम वाला जो पौधा है
वो किसका काम में लिया जाता है? कलम वाला जिस प्रकार का पौधा अपने को उत्पन्न करना है, जिस प्रकार का पौधा या जिस प्रकार के, जैसे आपने देखा होगा एक ही पेड़ के अंदर विभिन्न प्रकार के लाल, हरे, पीले, इस प्रकार के फूल वाले पौधे होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, ये जो कलम अपन स्कंद के ऊपर लगा देते हैं। आगे देखना भाई, रोपण है, ये जो कौन कौन से पादपों में काम में लिया जाता है, नींबू, आम, अमरूद, गुलाब। आगे रोपण की जो विधिया, रोपण की विधिया है उनके अंदर जो पहली विधि है उसका नाम होता है व्हीप, जीबी या जीवा रोपण। इस ये जो विधि होती है व्हीप जीबी या जीवा रोपण, इस विधि के अंदर कलम तथा स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया जाता है। किस प्रकार का चीरा लगाया जाता है? वी आकार का। अर्थात कहने का मतलब कि देखना, ये वाला इस प्रकार मेरे पास पौधा है, ये वाला जो पौधा है इसको मैंने नाम दे दिया स्कंद। अब मेरे को कलम किसी अन्य पादप की चाहिए, तो मैं कलम, ये मेरे पास कलम है। अब देखना, इस कलम को मैं इस स्कंद के ऊपर रोपित करूंगा, ठीक है। तो ये जो वही पौर जिब्बी और जीवारोपण है, इस प्रकार की विधि के अंदर जो कलम होगी, जो स्कंद होगा, उसमें किस प्रकार का चीरा लगाऊंगा? वी आकार का। तो देखो, वी आकार का चीरा लगाता हूं, ये लो, ठीक है, ये वी आकार का चीरा लग गया। अब इसके अंदर भी किस प्रकार का चीरा लगाना है? वी आकार का। तो ये वी, अब ये वाला जो वी आकार का चीरा था, इस वी आकार के चीरों को यहां रख दूंगा, ये रखा यहां। अब क्या होगा कि ये जो पौधा ग्रो करेगा तो ये कलम के अकॉर्डिंग ग्रो करेगा, जिस प्रकार की इसके ऊपर कलम है उसी प्रकार का ये पौधे का निर्माण होगा। तो इस प्रकार की व्हीप और जिब्बी जीवारोपण विधि के अंदर कलम तथा स्कंद में किस प्रकार का चीरा लगाया जाता है? वी आकार का चीरा लगाया जाता है। अगली विधि जो होती है उसको नाम दिया जाता है फच्चर रोपण। ये जो फच्चर रोपण जो विधि होती है, इस विधि के अंदर जो स्कंद होता है, अर्थात ये वाला स्कंद, ये लो स्कंद, ठीक है, इस स्कंद के अंदर तो अपन चीरा किस प्रकार का लगाएंगे? वी आकार का। ये ऐसे है, अब इसमें चीरा लगा देता हूं, ये वी आकार का चीरा लगा दिया। अब जो कलम होती है, उस कलम के अंदर ये वाला हिस्सा कलम का, इस कलम के अंदर जो वेज होता है, स्क्रू होता है, उस आकार के चीरा लगाया जाता है। तो इस आकार को यहां रख दिया। अब ये जो पादप आगे ग्रो कर जाएगा कलम के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब जो फच्चरोपण विधि है, उस फच्चरोपण विधि के अंदर जो स्कंद होता है, जो नीचे का पार्ट होता है जमीन से लगा हुआ, उस पार्ट के अंदर वी आकार का चीरा, और जो कलम होती है उस कलम में वेज आकार का चीरा लगाया जाता है। नेक्स्ट, किरीट या मुकुट रोपण। किरीट या मुकुट रोपण के अंदर जो स्कंद होता है, उस स्कंद की मोटाई अधिक होती है। अर्थात करने का मतलब, ये स्कंद, इसकी मैंने मोटाई अधिक कर ली, ठीक है, इसके अंदर फिर इस स्कंद की जब मोटाई अधिक होगी, तो अपन इस मोटाई अधिक होगी तो इसके अंदर एक से ज्यादा कलम का रोपण कर सकते हैं। अर्थात ये मैंने यहां ये वाला हिस्सा कलम का लिया, कलम के अंदर जैसे मैंने वी आकार का चीरा लगाया, एक कलम ये है मेरे पास, इसमें लगाया, इन दोनों को रख दिया मैंने यहां, ये अर्थात इसकी मोटाई खूब है, स्कंद की मोटाई खूब होने के कारण इसके ऊपर एक से अधिक कलिका का या एक से अधिक कलम का रोपण किया जा सकता है। इसका आपने देखा होगा कि बहुत से घरों के अंदर ऐसे पेड़ पौधे लग रहे हैं जिनके अंदर एक ही पौधे के ऊपर विभिन्न प्रकार के या विभिन्न अलग अलग प्रकार के रंगों के फूल लगे हुए होते हैं। वो सब किसके द्वारा होता है? वह सब किरीट या मुकुट रोपण के द्वारा, इस विधि के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट जो विधि होती है, उस विधि को नाम दिया जाता है कलिका रोपण। इस विधि के अंदर जो स्कंद होता है, स्कंद के अंदर टी आकार का चीरा लगाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब, ये स्कंद और इस स्कंद के अंदर किस प्रकार का चीरा लगाया जाता है? टी आकार का चीरा लगाया जाता है। इसके अंदर कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, इन जो विधियों के अंदर किस प्रकार का चीरा लगता है वह ध्यान रखना है। अर्थात कहने का मतलब, चीरे के प्रकार है उसके ऊपर ये विधि है। ये अपना जो था, अब तक अपन ने जो चर्चा की है, जो बात की है, वो अपन ने बात की है
अलैंगिक जनन की। तो पौधों के अंदर जो दूसरे प्रकार का जनन होता है उस जनन को नाम दिया जाता है लैंगिक जनन। अर्थात पहले अपन ने जो जनन पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको अपन ने दूसरा नाम दिया एपोमिक्सिस, फिर उसके अपन ने टाइप पढ़े, प्रकार पढ़े। अलैंगिक जनन के बाद जो पौधों के अंदर दूसरा जो जनन पाया जाता है उस जनन को नाम दिया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर अगर लैंगिक जनन की बात की जाए तो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वह आवर्तबीजी पादपों के अंदर पुष्पों के द्वारा संपन्न होती है। अर्थात लैंगिक जनन को करने वाला आवर्तबीजी पादपों के अंदर कौन सा भाग होता है? पुष्प होता है। तो पुष्प है वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपन्न करवाता है। पुष्प के बारे में ये पूछा जाता है पुष्प है क्या? तो देखना, पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला प्रो होता है। अर्थात पुष्प का दूसरा नाम ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कहा पूछा जाता है कि पुष्प क्या है? तो पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला प्रो होता है। तो देखना, लैंगिक जनन की अगर बात की जाए तो लैंगिक जनन किसके द्वारा संपन्न होता है? पुष्प के द्वारा। और पुष्प जो होता है उसके अंदर चार भाग पाए जाते हैं। पुष्प को कभी आप देखना ध्यान से, पुष्प के अंदर कितने भाग पाए जाते हैं? चार। जो पहला जो भाग होता है उसको नाम दिया जाता है बाह्य दलपुंज। जो बाह्य दलपुंज होता है वह पुष्प का सबसे भारी भाग होता है। यह जो बाह्य दलपुंज होता है यह सभी पादपों के अंदर यह भाग पुष्प के सबसे नीचे और लगभग हरे रंग का पाया जाता है। पुष्प का जो दूसरा चक्र होता है चार चक्रों के अंदर या चार भागों के अंदर दूसरा जो भाग होता है उसको नाम दिया जाता है दल पुंज। ये जो दल पुंज होते हैं यह पुष्प के बाह्य दल के बाद वाला भाग या अंदर की तरफ जो भाग होता है उसको नाम क्या दिया जाता है? दल पुंज। ये जो दल पुंज होते हैं इनकी संख्या विभिन्न प्रकार के पुष्पों के अंदर भिन्न भिन्न हो सकती है, किसी में चार, पांच, छह। अब ये जो दल पुंज होते हैं यह सभी पुष्पों के अंदर इनका रंग समान नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब दल पुंज जो होते हैं वह अलग अलग रंग के होते हैं। अब अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? अलग अलग रंग के ये जो दल पुंज है वो इसलिए होते हैं कि ये जो दल पुंज होते हैं ये विभिन्न प्रकार के कीटों को अपने रंग के द्वारा आकर्षित करते हैं। अब कीट को आकर्षित करने से क्या होगा? कीट को आकर्षित करने से ये होगा, जब कीट इनके रंगों से आकर्षित होकर इनके ऊपर बैठेंगे तो परागण की क्रिया संपन्न होगी। अर्थात कहने का मतलब ये जो दलपुंज है इनका काम परागण की क्रिया को संपन्न कराने में होता है। जब परागण की क्रिया संपन्न होगी तो उसके बाद कौन सा जनन संपन्न हो जाएगा? लैंगिक जनन। उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तीसरा जो भाग होता है पुष्प का उसको नाम दिया जाता है पुमंग। पुमंग जो भाग होता है वह पौधे का, पुष्प का या पौधे का नर भाग होता है। ये जो पुमंग भाग होता है इसको आगे पुंकेसर, आगे परागकण, इसको आगे नाम दूंगा नर युग्मक, ये नाम दिए जाते हैं। अर्थात इसके अंदर किसका निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण होता है। पौधे का जो चौथा चक्र होता है उसको नाम दिया जाता है जायांग। ये जो चक्र होता है इसको मादा जननांग के रूप में पहचाना जाता है। ये जो जायांग होता है इसके अंदर आगे अंडप और इससे आगे किसका निर्माण होगा? जब अपन आवर्तबीजी पादपों के अंदर संरचना का निर्माण करेंगे तो ये जायांग ये यहां परागण गिरेगा, आगे फिर इसके अंदर अंदर की तरफ ये संरचना होगी जिसका अपन आगे पढ़ेंगे विस्तार से। ये वाला ठीक है, इसको अपन नाम देते हैं बीजांड। तो इसके अंदर आगे फिर अंडा, फिर अंडकोशिका। अंडकोशिका कौन सा युग्मक? मादा युग्मक। इन दोनों का संयोग होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा आगे जनन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इन चीजों का अपन आगे वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ये वाला जो भाग है ये भी अपन आगे जो चैप्टर आएगा उसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो ये जो अपनी पहली यूनिट थी जो आवर्तबीजी पादपों में जनन, उसका जो पहला जो चैप्टर था उसको कंप्लीट हुआ है आवर्तबीजी पादपों में जनन।
ये यूनिट है चार नंबर की, अपनी 12 क्लास के अंदर चार नंबर की है। मेनली कम से कम अगर बात की जाए तो मिनिमम इससे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक परिभाषा उसके अंदर पूछी जाती है। और अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो ऐसा का ऐसा सेम आगे भी अपने टॉपिक आएगा। अगर अपन यहां अगर अच्छे ढंग से अगर इसका अध्ययन करें तो एक क्वेश्चन वहां से एक यहां से, अर्थात इसके अंदर दो नंबर का जो क्वेश्चन इस चैप्टर से जिस क्लास का आज अपन ने अध्ययन किया है इसके अंदर दो नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 12वीं बोर्ड में पूछा जाता है। थैंक यू। पैसा बंद करो। भेजो भेजो गए कैमरों फोकट में चाल रहे भाई जी, कैमरों फोकट में चाल रहे गए। हाँ।